प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। चलिए आज आपको सिखाते हैं नोटिस राइटिंग, और वो भी बिना रटे फिक्स लाइन के साथ। वीडियो में क्या कहा है, ओनली 4 पॉइंट है। अगर आपने 4 बात समझ ली, आप कैसा भी नोटिस आए लिख दोगे। सबसे पहली बात, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, यदि ये किस आकार में लिखे जाते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। और एक बात ध्यान रखना, फॉर्मेट का भी नंबर होता है। दूसरी बात है, जिसके लिए आप मेरे वीडियोज पे आते हो, नोटिस की फिक्स लाइंस क्या है, यानी कैसा भी क्वेश्चन आए वो लाइन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। और तीसरी बात, एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, यानी मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। और चौथी बात, वन सॉल्व्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। कहने का मतलब है, आज के बाद नोटिस आपको नहीं रटना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट, तो देखिए यह है नोटिस का फॉर्मेट। अब नोटिस के फॉर्मेट में खास बात, एक खास सावधानी, इसको खुला मत छोड़ देना, इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके ही आना है। जैसे आपने लेटर राइटिंग लिखा, उसमें कोई बॉक्स नहीं होता, रिपोर्ट राइटिंग में नहीं होता, आर्टिकल में नहीं होता, पैराग्राफ में नहीं होता, स्टोरी में नहीं होता, लेकिन इसमें बॉक्स जरूर होता है। अब ये बॉक्स है क्या, तो देखिए ये जो बॉक्स आपने बनाया ना, जैसे बोर्ड के अंदर एक और बोर्ड बनाया, ये हमारे सूचना पट नोटिस बोर्ड का प्रतीक है। चलो पहले समझ लो कि एक नोटिस होता क्या है, फिर आपके लिए नोटिस लिखना आसान हो जाएगा। देखिए, माना आपके स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है, तो क्या हम एक एक बच्चे के पास जाएंगे पकड़ पकड़ के, हाँ हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम है, तू आएगा क्या, तू इसमें भाग लेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। जो भी सूचना है, जो भी जानकारी है, उसको स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, एक सूचना पट होता है, वहां पे लिख दिया जाता है। अब चूंकि ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में लिखा जाएगा। अब सबसे पहले इसके फॉर्मेट में आपने बॉक्स बनाया अच्छा सा, उसके बाद में सबसे ऊपर बीच में, इस बात का ध्यान रखना बीच में आना चाहिए, इतनी जगह इधर, इतनी जगह इधर, नेम ऑफ स्कूल। अब ये ज्यादातर हम स्कूल में पढ़े तो स्कूल संबंधी आता है एग्जाम में, तो यहां पे आप स्कूल का नाम लिख दोगे, या फिर स्कूल का नहीं है, किसी सोसाइटी का है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस सोसाइटी का नाम, 90% संभावना है कि स्कूल का नाम ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कैपिटल लेटर्स। अब ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा, अच्छा लुक आएगा, थोड़ा कैची लगेगा। अब ये स्कूल जहाँ पे है, उस शहर का नाम भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना, फिर नोटिस सब लिखना बड़े अक्षरों में, कैपिटल में, इस तरह से। फिर एक लाइन छोड़ना, फिर इधर डेट। अब डेट कैसे लिखी जाएगी अभी बता दूंगा। उसके बाद में नोटिस जिस चीज़ के ऊपर आया है, जो मेन बात है, जो जानकारी दी जानी है, जो सूचना है, वो हेडिंग के रूप में आप लिख दोगे। ये आपको एग्जाम में मिल जाएगी, पेपर में मिल जाएगी। स्कूल का नाम पेपर में आ भी सकता है, नहीं आ सकता, इसको लिखना आसान है। उसके बाद में नोटिस बड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ 4 से 5 लाइन में लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 से 5 लाइन, ये इसकी मेन बॉडी है। उसके बाद में लास्ट में नेम, यानी इस नोटिस को निकालने वाला व्यक्ति कौन है, इस जानकारी को देने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी मोस्ट ऑफ एग्जाम पेपर में दिया आता है। अगर नहीं दिया आए और स्कूल संबंधी आएगा, तो स्कूल में सबसे हेड कौन है, प्रिंसिपल, तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख के लिख दो, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पोस्ट का मतलब, अब देखो एग्जाम में आ गया सेक्रेटरी, तो यहाँ पे आप सेक्रेटरी लिखोगे, मतलब यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखी जाती है, जो उसका नियोक्ता है, जो पद है, वो लिखा जाता है, मतलब आसान सी बात है। तो ये तो हो गया हमारे नोटिस का फॉर्मेट, इसको दिमाग में डाल लो। अब खास बात, ये कितना सुंदर दिखेगा, अब ये बात है और टीचर नहीं बताते, मैं ही बताता हूँ, क्योंकि ये 4 नंबर का है, एक झटके में चेक होगा, एक झटके में कितना सुंदर लग रहा है, बस ये देखना चाहिए, और वो थोड़ा सा मेन बॉडी को पड़ेगा। हाँ, इसमें नंबर का डिवाइडेशन भी है, जो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब ये आपने बॉक्स बनाया, स्कूल का नाम लिखा, नोटिस लिखा, हेडिंग लिखा, डेट लिखा, ये फॉर्मेट इसका एक नंबर है। यहाँ पे जो आप मेन सूचना जानकारी देते हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यानी आपने जानकारी को किस तरह से व्यवस्थित किया है, उसके 2 नंबर हैं, और लास्ट में 1 नंबर आपकी ग्रामर का, आपके सेंटेंस का कोई अशुद्धि तो नहीं है, उसका होता है, तो मतलब आसान है। तो चले ये इसका हो गया, ठीक है, आप इसको नोट कर रहे हो तो कर लो। अब देखते हैं फिक्स लाइन। तो देखिए, सबसे पहले स्कूल का नाम एंड सिटी आप लिख दोगे, कैपिटल में लिख देना, कोई नियम नहीं है, बट अच्छा लगेगा। उसके बाद में नोटिस सब लिखोगे, उसके बाद में हेडिंग लिखोगे, जो भी एग्जाम में आएगी, अभी उनकी चर्चा कर लेंगे। इधर डेट लिखोगे। अब यहाँ पर ये फिक्स लाइन है, इन फिक्स लाइनों में जो वाइट से हैं, मतलब वाइट से सफ़ेद से, वो तो फिक्स लाइन है, और बीच में जो ये येलो है, पीले वाले, ये आपको क्वेश्चन में से लेने पड़ेंगे, और क्वेश्चन में तो इतनी जानकारी तो दी आएगी किसके ऊपर है। तो देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स या फिर इनहेबिटेंट्स, अब ये इनहेबिटेंट्स क्या है, ये होता है निवासी। 90% 95% यहाँ पे स्टूडेंट ही आएगा, क्योंकि स्कूल संबंधी आता है, लेकिन कोई सोसाइटी संबंधी आ गया कि आपकी सोसाइटी में या आपके गांव में या आपके टाउन में एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, तो उसमें स्कूल का नाम है नहीं, तो ऑल द इनहेबिटेंट्स लिखोगे आप, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स या फिर इनहेबिटेंट्स
पता कैसे लगेगा? क्वेश्चन के आधार पे। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, या फिर सोसाइटी, अब ये इनहेबिटेंट्स कहाँ के हैं, सोसाइटी के या फिर सिटी के। तो इस स्कूल, मैं एक बार स्कूल संबंधी बोल दूँ, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अभी जो मैंने बोला ये आपकी फिक्स लाइन होगी स्कूल संबंधी के लिए। अगर दूसरा कोई आ गया तो ऑल द इनहेबिटेंट्स या फिर पीपल भी लिख सकते हो, ऑल द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी या सिटी आर इन्फॉर्म दैट, को सूचित किया जाता है कि। अब जो सूचना है, जो जानकारी है, वो पेपर में आई, नेम ऑफ द इवेंट, उस इवेंट का नाम लिख दो, जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसका नाम लिख दो। अब माना स्कूल से कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है, तो दैट एन एजुकेशनल टूर विल बी हेल्ड या विल बी ऑर्गेनाइज्ड, या कोई डिबेट कंपटीशन है तो इन्फॉर्म दैट अ डिबेट कंपटीशन, या फिर स्कूल का टाइम चेंज हो रहा है तो इन्फॉर्म दैट द स्कूल टाइमिंग इज गोइंग टू चेंज। अब वहाँ पे फिर ऑर्गेनाइज्ड नहीं आएगा, ये थोड़ी सी बात मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन ये जो आपका फिक्स लाइन है ना, ये लगभग लगभग स्कूल संबंधी 80% को कवर कर देंगी, यानी 80% इवेंट ही होते हैं, कोई प्रोग्राम होगा उसके लिए फिक्स लाइन है कि ये इवेंट हमारे स्कूल द्वारा आयोजित की जाएगी। चलो आगे देखो, तो विल बी हेल्ड बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा या फिर सोसाइटी के द्वारा ऑन द डेट। अब एक नोटिस के अंदर कोई भी नोटिस निकल रहा है ना, तो ये नोटिस निकला तो इस तारीख को, लेकिन जो इवेंट होगा, जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, उसकी डेट क्या है, वो तारीख आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको, ये आपको लिखनी है तारीख, ऑन द डेट, और ये जो डेट है इस डेट के हमेशा बाद आएगी। माना ये आज 14 फरवरी है, तो यहाँ पे 14 फरवरी लिखूंगा मैं, तो ये 4-5 दिन बाद होगा, जैसे 20 फरवरी को या 18 फरवरी को, क्योंकि इसको तो निकला, लेकिन ये इवेंट होगा इस तारीख को। उसके बाद एट टाइम, यहाँ पे फिर टाइम लिखना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन है वो 11 बजे 12 बजे 2 बजे कब है। उसके बाद में फिर नीचे की फिक्स लाइन है, दोज हू वांट टू पार्टिसिपेट, वे जो भाग लेना चाहते हैं किसमें, इस इवेंट में, नेम ऑफ द इवेंट, इस इवेंट में जो भाग लेना चाहते हैं, दोज हू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, वे जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम फिक्स कर दिया, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे दें टू द क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर को, या फिर अगर सोसाइटी का आ गया, कुछ और आ गया, तो फिर सेक्रेटरी को, लेटेस्ट बाय द डेट, मतलब अंतिम रूप से इस तारीख तक। अब यहाँ पे आपको एक डेट और लिखनी है, तो देखो तीन डेट हो गई, ये तो नोटिस निकला वो डेट, ये इवेंट होगा वो डेट। अब माना कि ये 14 को निकली, ये 14 को हमने निकाला, और 20 का इवेंट है, तो नाम कब तक दे दो, 16 तक 18 तक, ध्यान रखना ये डेट बीच की आएगी, यानी ये शुरू की, ये लास्ट की, ये बीच की, तो 18 तारीख तक या 16 तारीख तक अपने नाम दे दो, जो भी इस डिबेट में भाग लेना चाहते हैं या इस टूर में जाना चाहते हैं या ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो। उसके बाद में नेम, और नेम के बाद में नेम कोई भी लिख दो, अगर पेपर में दे दे तो वही लिख देना, नहीं तो कोई भी लिख दो। पोस्ट, अब पोस्ट को ही हम डेजिग्नेशन कहते हैं, यानी जो पद है, यानी जिसने ये निकाला, अब इसका मेंशन वो पेपर में दे सकता है। जैसे माना एजुकेशनल टूर जा रहा है, अब किसकी जिम्मेदारी है, हिस्ट्री टीचर की, तो राइट ए नोटिस एज द हिस्ट्री टीचर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के हिस्ट्री टीचर के रूप में, या फिर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, या फिर क्लास मॉनिटर, या फिर क्लास टीचर, इस तरह से। अब जो जो दे दिए, जैसे सेक्रेटरी है या क्लास टीचर है, हिस्ट्री टीचर है, तो आप वो लिख दोगे। कोई भी नहीं दिया है तो फिर सबसे बड़ा कौन है स्कूल में, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो है ही लास्ट हथियार, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल। तो ये हो गई हमारी फिक्स लाइन। अब एक खास बात, ऑल द स्टूडेंट्स या इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इसकी जगह आप और भी लाइन काम में ले सकते हो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज हियर बाय इनफॉर्म्ड, दिस इज हियर बाय इनफॉर्म्ड, यहां सभी को सूचित किया जाता है, टू ऑल द, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, पीपल, इनहेबिटेंट्स, जो भी है, तो दिस इज हियर बाय, ये देखो ये वाली लाइन है, आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, कौन सी लाइन, ये वाली, दिस इज हियर बाय, है ना, दिस इज हियर बाय इनफॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स। उसके बाद में दैट, अब दैट के बाद दैट और जोड़ दो, कैसे में दैट की, यहाँ पे स्टूडेंट लिख करके दैट, अब जो इवेंट है उसको लिख दो, यहाँ पे इवेंट जो प्रोग्राम होना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका फिक्स लाइन, ठीक है, इनसे आपका काम चल जाएगा। अब देखते हैं मोस्ट कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए
डिबेट कंपटीशन, स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन होना है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है, टॉपिक कोई भी मिल जाएगा, जिस टॉपिक पे होनी है वो एग्जाम में आएगा। ए लिटरेसी कैंपेन, एक साक्षरता अभियान, यानी आपके स्कूल के बच्चे जो ऐसे स्लम्स हैं, जो कच्ची बस्तियां हैं, जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं आपके सिटी में, वहाँ पे जाएंगे एक महीने के लिए और एक एक घंटा वहाँ पे अनपढ़ लोगों को पढ़ाएंगे, एक साक्षरता अभियान होगा। एक क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी आपके स्कूल एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है तो जो उसमें खेलना चाहते हैं। एन एजुकेशनल टूर, स्कूल से कोई टूर जा रहा है शैक्षणिक भ्रमण के लिए, कहाँ कहाँ जाएगा ये सारी बात आप बताओगे, किस डेट को जाएगा, कितने रुपये खर्च होंगे। अब ब्लड डोनेशन कैंप, आपके स्कूल के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है तो जो 12th क्लास जो स्टूडेंट ब्लड डोनेट करना चाहते हैं नाम दे दें। ए सेमिनार ऑन रोड सेफ्टी, आपके स्कूल में कोई यातायात मतलब यातायात ट्रैफिक का कोई इंस्पेक्टर आया, वो एक सेमिनार लेगा, मतलब रोड सेफ्टी के बारे में बताएगा, तो बच्चों को असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, डेट बता देंगे इस दिन 11 बजे आपकी एक आपको सेमिनार दिया जाएगा, एक भाषण दिया जाएगा। मेडिकल चेकअप, स्कूल में एक मेडिकल टीम आ रही है जो स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप करेगी, कब आएगी और किस क्लास का किस दिन होगा। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, आपके स्कूल में बाल दिवस मनाया जाएगा तो बच्चे स्टॉल वगैरह लगाएंगे या कोई पोयम वगैरह। आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, आपके स्कूल के लिए कोई आर्टिकल लिखने हैं, लेख लिखने हैं तो बच्चों से वो आर्टिकल इन्वाइट करने हैं। चेंज इन स्कूल टाइमिंग, स्कूल का टाइम चेंज हो रहा है। अब देखो जैसे स्कूल है अपनी 7 बजे की, वो 9 बजे करनी है तो बच्चा कल 9 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, एक साथ लिख दो कि स्कूल का टाइम चेंज हो गया 7 से 9 बजे का। अब इसमें इवेंट नहीं है ये, तो इसमें सिर्फ एक लाइन खत्म होगी, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल का टाइम 9:07 हो गया, खत्म, एक लाइन में खत्म। अब ये मत करना कि वे जो भाग लेना चाहते हो, फिर गलत हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक भी लगाया करो। डिपोज, हाँ ऐसा ही देखो, ये लॉस्ट है बाइसाइकिल, एक स्टूडेंट की साइकिल खो गई है तो एक स्टूडेंट 12th क्लास का नरेंद्र शर्मा, उसकी हीरो साइकिल है, स्टैंड से गायब हो गई, जिसको मिली हो ऑफिस में जमा करा दे या जिसने देखी हो। अब ऐसा मत करना कि वे जो इसमें भाग लेना चाहते हैं अपने नाम ऑफिस में जमा करा दे, वो नहीं आएगा इसमें। ऐसी डिपॉजिट लाइब्रेरी बुक्स, डिपॉजिट फीस आ गया, फीस जमा करानी है, या फिर डिपॉजिट लाइब्रेरी बुक्स, आपके एग्जाम आ गए तो लाइब्रेरी की जो पुस्तकें उधार लिए बच्चों ने वो उनको वापस जमा करा दे इस तारीख तक, छोटा सा है। सभी विद्यार्थियों को सूचित कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट दे शुड डिपॉजिट लाइब्रेरी बुक्स बिफोर एग्जाम, बस हो गया खत्म। इंटरनेशनल योगा डे, तो इंटरनेशनल योगा डे पे कुछ एक्टिविटी होने वाली है। होली दिवाली हॉलीडेज, या होली दिवाली की जो छुट्टी आती है स्कूल में, या मिड टर्म की जो आती है उनकी सूचना देनी है कि आपकी होली की छुट्टी है इतनी तारीख से, नोटिस है, जानकारी है। सही देखो, सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस, डेट, उसके बाद में हेडिंग। अब हेडिंग क्या, ये सब हेडिंग ही है, ये जो मैंने लिखी ये सब हेडिंग है, इनको आप हेडिंग में लिख दोगे, होली हॉलीडेज, इंटरनेशनल योगा डे, डिपॉजिट लाइब्रेरी बुक्स, ये सब के सब हेडिंग है। हेडिंग मतलब किसके ऊपर, देखो ये रहा, ये हेडिंग क्वेश्चन में से जुड़ी, तो ये आसान है, ठीक है। अब इनमें से देखो, डिबेट कंपटीशन है, लिटरेसी कंपटीशन है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, टूर है, ब्लड डोनेशन कैंप है, सेमिनार है, सेमिनार में तो खैर नहीं, मेडिकल चेकअप है, ये आर्टिकल्स, तो इनमें सब में ये लाइन फिक्स चलती है। बाकी जो मैंने आपको स्पेशल बताया था कि एक दो लाइन में खत्म हो जाते हैं, उनमें ये चीज़ नहीं आएगी, बस जानकारी दे दी कि ये जानकारी है, बस हो गया खत्म। अब देखिए, एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो एज द सेक्रेटरी ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के डिबेटिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी के रूप में। अब यहाँ पे देखो, ये डेजिग्नेशन आ गया, ठीक है, ये पोस्ट आ गया, जो इसको लिखेगा तो सेक्रेटरी लिखेगा, अब इसको प्रिंसिपल मत लिखना, मॉनिटर मत लिखना। सूचना क्या है, इन्फॉर्मिंग, सूचित करते हैं स्टूडेंट्स को अबाउट अ डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन के बारे में, ऑन मोबाइल फोन्स फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसके लाभ है क्या इसकी हानियां हैं। तो इस ये टॉपिक का नाम हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया, इवेंट हो गया, और ये इस विषय पे होनी है। निकालने वाला कौन है, सेक्रेटरी। तो शुरू करते हैं, स्कूल का नाम नहीं दिया कोई बात नहीं, अपने मन से लिख रहे हैं, KVM स्कूल कोटा, ये स्कूल का नाम हो गया और ये सिटी हो गया, एक ही लाइन में हो गया, और देखो बिल्कुल बीच में है, इधर जगह है इधर जगह, इसको ऐसे साइड में मत लिख देना, फर्क इनका ही पड़ता है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ी, फिर नोटिस लिखा बड़े अक्षरों में, उसके बाद में देखो 14 फरवरी 2024, ये आज की डेट मैंने लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ी। अब क्या है ये हेडिंग, क्या है, अ डिबेट कंपटीशन। तो देखिए, अब ये फ्रेश आ गया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, या फिर दिस इज हियर बाई इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल दैट, दिस इज हियर बाई इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल दैट, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि। एक खास बात और ध्यान रखना, दिख रहा है ना, दिस स्कूल लिख रहा है,
अगर किसी पर्टिकुलर क्लास को करवाए कि सिर्फ 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट को ही है ये डिबेट, ये 6th क्लास को नहीं है, तो फिर दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल, मत लिखना टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th टू 12th आर इन्फॉर्म दैट, सॉरी दैट की। अब यहां पे क्या है, डिबेट कंपटीशन, इस तरह से। तो कहने का मतलब है बहुत आसान है, कोई बड़ा नहीं है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इन्फॉर्म दैट, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अ डिबेट कंपटीशन। अब देखो यहां पे मैं अंडरलाइन भी कर दूं क्या, क्वेश्चन के आधार पे क्या लिया, ए डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा या विल बी ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया जाएगा, एक ही बात है। मैंने यहां पे दो दिए थे ना, तो आप डर मत जाना। देखो ये इन्फॉर्म, यहां पे चाहे तो हेल्ड लिख दो चाहे ऑर्गेनाइज लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक होता है। तो डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में आयोजित किया जाएगा ऑन 18 फरवरी, अब आप क्या दे रहे हो डेट, एट 2 PM 2 बजे इन स्कूल हॉल, स्कूल के हॉल में। तो तीन चीज लिख दिया आपने, डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया और वेन्यू स्थल लिख दिया कहां पे होने वाला है। द टॉपिक ऑफ डिबेट विल बी, और डिबेट का टॉपिक होगा मोबाइल फोन्स फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फोन का यूज, अब ये करें ना करें इस पर बहस होगी, ठीक है। अब देखो फिर वही आ गया फिक्स वाली, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, वे जो भाग लेना चाहते हैं इन दिस डिबेट, इस डिबेट में, आप चाहे तो प्रोग्राम में लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहां पर, मैंने वहां पर प्रोग्राम दिया था ना, ये रहा इन दिस प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या था जो हमने ऊपर बता दिया, यहां पे आपने अगर डायरेक्ट डिबेट लिख दिया तो और भी अच्छी बात है। तो वे जो इस डिबेट में भाग लेना चाहते हो शुड गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे दें टू देयर क्लास टीचर्स, अपने अपने क्लास टीचर्स को बाय 16 फरवरी 2024 या लेटेस्ट बाय, एक ही बात है, लेट मतलब अंतिम रूप से या बाय 16 फरवरी 2024 तक। अब रवि शर्मा ये नाम इसमें नहीं है, कोई भी नाम लिख दिया, द सेक्रेटरी ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, तो सेम टू सेम लिख दिया। ये नहीं होता तो मैं क्या लिखता, प्रिंसिपल लिख देता, ठीक है। तो ये अपना नोटिस हो गया, मतलब आसान है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा गैस करो कि नोटिस है क्या, कोई जानकारी है, अब डिलीवर होनी है वो। अब थोड़ा यार लॉजिक भी लगाना, किसी स्टूडेंट की साइकिल खो गई है, तो देखो KVM स्कूल कोटा लॉस्ट ए बाइसिकल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इन्फॉर्म दैट अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास नेम मोहित कुमार हैज लॉस्ट हिज बाइसिकल, की साइकिल खो गई है फ्रॉम साइकिल स्टैंड से इस तारीख को, तारीख लिख देना ऑन द डेट, इस तारीख को। अब ये लाइन मत लिखना कि वे जो इसमें भाग लेना चाहते हैं ना, अरे भाग कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, क्या लिखोगे अब, जिसको मिली हो, हु हैज फाइंड इट, जिसको मिली हो शुड डिपॉजिट इन द ऑफिस, वो ऑफिस में जमा करा दे, ही विल बी रिवार्डेड, उसको इनाम भी दी जाएगी, इस तरह से। तो ये हो गया। अब माना कि जैसे आपका क्या आप बोलते हैं, ये देखो ये लाइब्रेरी बुक्स का है, ये कहा है, ये जैसे डिपॉजिट लाइब्रेरी बुक्स, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, नोटिस डिपॉजिट लाइब्रेरी बुक्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इन्फॉर्म दैट, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दे शुड डिपॉजिट, वो जमा करा दें देयर लाइब्रेरी बुक्स, अपनी लाइब्रेरी की बुक्स बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले। द डिफॉल्टर्स विल बी फाइन 10 पर डे, जो डिफॉल्टर्स होंगे मतलब जमा नहीं कराएंगे, 10 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। फीस जमा करानी है तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे थर्ड टर्म की फीस को बिफोर एग्जाम से पहले जमा करा दें, 10 रुपीज, डिफॉल्टर्स विल बी फाइन 10 रुपीज पर डे, इस तरह से लिख दो। तो थोड़ा सा देखना, जिसमें कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई भाषण है, कुछ प्रतियोगिता है, कोई मैच है, उसमें तो यही आएगा या फिर ट्यूर है, और ज़्यादातर यही आते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपके नोटिस, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हिम्मत मिल गई होगी, लिख सकते हो ना, अरे लिख देना यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 4 नंबर का ही तो है, फिर 1 नंबर फॉर्मेट का है, 1-2 नंबर। तो जब आप इसको देखो, मेन चीज़ क्या, इसको ऐसे लिख के आए, थोड़ा सा ये ठीक ठाक कर दिया, आपको 3, 3.5 या फिर अच्छा है तो 4 नंबर तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओके, बाय।